नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेके अब तैयारियां जो है वो जोरों पर है। ऐसे में मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आप सोचने पे मजबूर कर देगी। आपको बता दें कि सास और बहू ने कांग्रेस का दामन छोड़ के अब बीजेपी में शामिल हो गई। जी हां, सास और बहू का ये किस्सा आज की खबर में आपको सुनाते हैं। एमपी में चुनाव की घोषणा के साथ ही दल बदल जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने की होड़ मची हुई है। इसका उदाहरण इन जिलों के सियासी गलियारों में लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, 2 दिन पहले कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाली पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनीता जैन और उनकी बहू आशा दोहरे ने ग्वालियर के जयविलास पैलेस में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भाजपा में शामिल हो गई। आपको बता दें, जिले में राजनीतिक दलों में शामिल लोगों की पार्टियों के प्रति बदलती विचारधारा के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीते 30 सालों से शहर में कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रिय चेहरा रही नेता प्रतिपक्ष अनीता जैन और केंद्रीय मंत्री सिंधिया की नजदीकी बताई जा रही थी। लेकिन वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में वे अपनी बहू आशा दोहरे को टिकट दिलाने में असफल रही थी। इसके बाद भी कांग्रेस में वह सक्रिय रूप से जुड़ी रही। लेकिन वर्ष 2020 में सिंधिया के कांग्रेस के जाने के बाद जिले से बड़ी संख्या में सिंधिया के समर्थक नेताओं का विलय भाजपा में हो गया। आपको बता दें कि भाजपा की सदस्य ग्रहण करने के बाद अनीता जैन ने मीडिया से बातचीत की और कहा, उस दौरान हमसे भूल हो गई थी जिसको अब सुधार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कभी भी हम महाराज का साथ नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री के समक्ष अनीता जैन भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लगातार उपेक्षा के कारण पार्टियां छोड़ी है और अब जिंदगी भर महाराज का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल जो है देश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में दल बदल है वो अपनी चरम सीमा पर है। फिलहाल सास बहू की इस जोड़ी और इस कहानी पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।